गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है तो हम इसे बना रहे हैं, आप लोग इसे ले लेंगे। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, वर्कशीट डालेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, क्लास के साथ जो भी आपका सेक्शन है ए बी सी उसे भी लिख देंगे, डेट डाल देंगे आज की, अपना नाम और अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो आज ये वर्कशीट जो आई है ये आपकी जनरल वर्कशीट है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मतलब अलग हो। ये सारी जनरल वर्कशीट हम कह सकते हैं, हम इसे हिंदी की भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे, यानी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है, आज हम नीचे दिए गए खेल खेलेंगे। आपके लिए कुछ आपके लिए चित्र पहली शब्द पहली और बातचीत दी गई है। ठीक है, इन पहेलियों को अपने घर के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो ये पहेलियाँ दी गई हैं इसे करना है और इसके आंसर्स देने हैं, तो चलिए करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो देखिए, चित्र एक है, ये चित्र दो है, तो चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका से साझा कीजिए। तो अब आप मुझे चार गलतियाँ ढूंढकर बताएंगे जो कि इसमें तो है लेकिन इसमें वो बनाना भूल गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका डंडा है और यहाँ डंडा बनाना भूल गए, एक गलती। ठीक है, दूसरी गलती क्या है कि यहाँ डॉट डॉट नहीं है जबकि यहाँ डॉट डॉट लगे हैं। ठीक है, तीसरी गलती, यहाँ घास है जबकि यहाँ घास नहीं है। ठीक है, चौथी गलती, यहाँ सर्कल है और यहाँ सर्कल नहीं है। ठीक है, तो मेन यही चार आपकी इसमें गलतियाँ हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और गलती दिखती है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिलहाल बस यही चार गलतियाँ हैं तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, नीचे वर्ग पहली में कुछ सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं, क्या आप दिए गए संकेतों की सहायता से सब्जियों के नाम ढूंढकर लिख सकते हैं। तो हाँ, हम लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, अदरक। तो स्पेलिंग क्या होती है, अदरक, अदरक, यहाँ लिख लेंगे अदरक, अरक, अदरक। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है आपका, यहाँ देख रहे हैं मटर, तो आप लिखेंगे मटर, मटर, तो यहाँ लिख लेंगे मटर, मटर। ठीक है, तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, ये क्या है आपका, अदरक हो गई, मटर हो गई, अभी क्या है, शलगम। ठीक है, तो शल, शलगम, गम, शलगम, यहाँ लिखेंगे शल, शलगम, गम, शलगम। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये क्या, ये है आपका सेम। ठीक है, सेम की फली होती है ना, तो ये रहा आपका सेम, तो आप लिखेंगे सा में ई की मात्रा, मा सेम। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट में ये आपका है पालक, पापा में आकर अंडा, ला का लक, पालक, पापा में आकर अंडा, ला का लक, पालक। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई स्पेलिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है टॉक टाइम, यानी बात करने का समय। ये क्या लिखा है, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुल्ली, जो आपके सीधे हाथ की तरफ बनी है इसे ध्यानपूर्वक देखो। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच सकते हैं, द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट, यानी ये सारे जो बच्चे हैं ये आपस में किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, सोचिए और यहाँ पर डायलॉग्स क्रिएट कीजिए। से इट अलाउडली, इसको ज़ोर से पढ़िए, एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में भी लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर टू, और आप इसके लिए अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़रा इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लिख के दिखा दूँगी आंसर्स। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, एक बच्चा ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है, ये पेड़ किस चीज़ का है, आम का, और ये क्या कर रहा है, आम तोड़ के दे रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये कह रही है लड़की, भैया, या लिखिए भाई,
मुझे मामेओं की मात्रा, झामे की मात्रा, मुझे भाई मुझे दो, दामेओं की मात्रा दो, बड़ा आम आम दो आम और दो। ठीक है, यानी हो सकता है ये लड़की कह रही हो भैया मुझे दो आम और दे दो, ठीक है, और हो सकता है ये लड़का कह रहा हो अब आम सारे मुझे देना, ठीक है, यानी भैया आप जितने भी आम तोड़ना वो सारे आम मुझे तो देना, इसको मत देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, या आपको अगर कोई और से डायलॉग पसंद आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है ये कह रहा हो भैया संभाल के खड़े हो गिर मत जाना, ठीक है, या हो सकता है बच्ची कह रही हो हाँ ये लाल वाला आम मुझे चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी डायलॉग्स बना सकते हैं। अब आप लोग बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे थोड़ा सा खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है, ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो अपने आप से भी बना सकते हैं। दो मैंने एक आपको लिख के बता दिए, एक मैंने आपको ऐसे बोल के ही बता दिया, तो अब आपको जो पसंद आए वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने आप से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ देखिए आपके टीचर्स को कहा गया है कि बच्चों के साथ ये जो गतिविधि है इसके लिए आवश्यकता अनुसार बात करें, यानी जैसी आपको नीड है, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको इस वर्कशीट के बारे में समझाया जाए। और आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों को समझाइए कि हमें अपने दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, यानी अगर हमारा कोई दोस्त हमसे कुछ बात कहता है जो कि हमें बुरी भी लग जाती है कि ओहो इसने ऐसी ये बात क्यों कही, ठीक है, तब भी हमें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम दोस्त हैं, अगर हम लड़ेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे कि देखो ये फ्रेंड्स होके लड़ रहे हैं, है ना, फ्रेंड्स में तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा दोस्ती सब चलता है ना। चलिए तो आज की वीडियो कब हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।